नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर के बारे में, जिसको पर्सनल लोन टेकओवर भी बोलते हैं, बीटी भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होते हैं और ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि आखिर पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ जाती है। देखिए, कई बार क्या रहते हैं, कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से वो पैसों की तंगी में फंस जाते हैं, यानी कि कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया था एक टीचर का, कि बोले कि साहब मैंने लोन ले लिया प्लॉट खरीदने के लिए, पर्सनल लोन। अब आज की डेट में मेरी तनख्वाह तो 53,000 है, लेकिन मैं टोटल किस्त दे रहा हूँ 42,000, घर में कुछ बचता नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा यार कि इस ये तो आपने तो बड़ी वैसा काम कर लिया है कि अब इसका तो कोई समाधान ही नहीं है। तो कई बार क्या रहता है कि आप तब इस तरह के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो, या फिर कई बार कई लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठा लेते हैं लोन, 15 से 34%। कई NBFCs जो जल्दबाजी के चक्कर में आपको 30-30% पे लोन देती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कई NBFCs का, लेकिन कई NBFCs ऐसी हैं, अगर आप उनके ऑफिस में कॉन्टेक्ट करो तो 1 घंटे के अंदर वो आपका लोन डिसबर्स कर देंगे, लेकिन वो लोन डिसबर्स करेंगे 30-25% पर, यानी कि आपकी जेब पूरी तरीके से खाली करने पे आमादा हो जाएंगे। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में लोन ऐप्स यूज़ कर लेते हैं। मैं तो लोन ऐप्स को चोर मानता हूँ, सारी जितनी भी लोन ऐप्स हैं वो सब चोर हैं। आप किसी भी लोन ऐप में चले जाओ, आपको 24-25% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो लोन मिलेगा ही नहीं, और आप उनकी एक EMI डिफॉल्ट करके दिखा दो, वो आपकी टोपी उतार देंगे पूरी तरीके से। सबसे घटिया और तरीका है लोन लेने का लोन ऐप्स, और जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। क्या करें, लोगों को सब काम फास्ट चाहिए, क्विक चाहिए, और उसके चक्कर में लोन ऐप बोले हम डिसबर्सल करा देंगे। अरे डिसबर्सल तो तुम करा दोगे, लेकिन किसी की टोपी उतार के डिसबर्सल कराओगे उससे क्या मतलब। तो लोन ऐप्स में भी अगर यदि आप फंसे हुए हैं तो हमें टेक ओवर की जरूरत पड़ती है, या फिर कई बार क्या रहता है कि हमारा हम अपने जो लोन पीरियड होता है उसको टेन्योर इंक्रीज कराने के लिए हमें टेक ओवर की जरूरत पड़ती है। और एक जो रीज़न है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक किसी बैंक या NBFC में लग रही है, तो हम दूसरे बैंक या बैंक में जाते हैं ताकि हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति टेक ओवर के बारे में सोचता है, जो कि जनरली अगर आपने भी लोन ज़्यादा ले रखा है तो आप भी शायद सोचेंगे कि। अब मैं आपको इसी के बीच में बता दूं कि हमारी एक कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स, इससे आप जोड़ सकते हो। ये रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोन की लीड्स हमें सोर्स करके देंगे, हम आपको बाकायदा 1% कमीशन देते हैं, और आज की डेट में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े और व्हाट्सएप पर कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें, नंबर मैंने दिया हुआ है। अब एक और रीज़न होता है कि आप टॉप अप चाहते हैं, कि बोले मेरा पर्सनल लोन भी टेक ओवर हो जाए और बैंक मुझे एडिशनल लोन भी दे दे। जैसे कि मान के चलिए आपका 3 लाख का लोन कहीं चल रहा है, आप दूसरे बैंक में गए कि मेरा ये बैंक का लोन टेक ओवर करके मुझे 2 लाख का टॉप अप दे दो। तो बैंक क्या करेगा, आपका टोटल लोन 5 लाख का सेंक्शन करेगा, जिसमें से 3 लाख का ड्राफ्ट या फंड ट्रांसफर कर देगा दूसरे बैंक में, और 2 लाख आपके पास हो जाएंगे अपने पर्सनल यूज का इस्तेमाल करने के लिए। तीसरा, कई बार हम कस्टमर सर्विस हमें अच्छी नहीं मिलती कई बैंकों से, तो इसलिए हम लोन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कि हमें टाइमली कोई स्टेटमेंट नहीं देता, बार बार EMI टाइम पे नहीं करती। उससे परेशान होके भी कई बार कई लोग अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं या वो अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी भाई की। आपने सोच तो लिया कि मैं मेरा लोन टेक ओवर करवाऊंगा, लेकिन पहले ये तो पता करो कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं, क्या पता आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही हो। और आप तो मैं जो कंडीशंस बताऊंगा अगर आप उनको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लोन टेक ओवर करना है या नहीं। सबसे पहला फॉरमोस्ट चीज़ है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, अगर सिविल स्कोर ख़राब है तो आपका लोन बिल्कुल टेक ओवर नहीं होगा। सिविल में किसी तरह का डिफॉल्ट है, रिटर्न ऑफ है,
या आप जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसमें डिफॉल्ट कर रखा है, या आपके अकाउंट में डीपीडी है, तो आपका लोन बिल्कुल भी टेक ओवर नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर तो होना ही चाहिए। अगर आप अपना लोन जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको एक लोन से दूसरे उसमें बैंक में ले जाना चाहते हो, सबसे ज़्यादा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट करती है लोन रीपेमेंट हिस्ट्री। आप जो लोन टेक ओवर करवाना चाह रहे हो उसका पेमेंट हमने रेगुलरली किया है या नहीं किया, उसके अंदर किसी पिछले 12 महीने में तो कोई डीपीडी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ आपने लेट पेमेंट किया हो, यानी कि आप बिल्कुल, क्योंकि बैंक क्या करेगा जब भी आप लोन लेने जाओगे तो वो लोग आपसे स्टेटमेंट मांगेंगे कि आप अपने लोन अकाउंट का स्टेटमेंट हमें दो, और लोन अकाउंट में के स्टेटमेंट में साफ पता चल जाएगा अगर आपने रेगुलर पेमेंट नहीं किया होगा तो बार बार आप पर पेनल्टीज लग रही होंगी, चेक डिसऑनर का होगा। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि लोन रीपेमेंट हिस्ट्री आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर आपका पर्सनल लोन है और सैलरी अकाउंट है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका लोन इजीली टेक ओवर हो जाएगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट मतलब आप किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो चांसेस है कि आपका अकाउंट ईजिली वे में टेक ओवर हो जाएगा। और अगर आप और गलती से जो पहले जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। अब बात आती है कि कैसे अप्लाई करें लोन के लिए। देखिए, लोन के लिए आप कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में जा सकते हैं, बैंक की ब्रांच विजिट कर सकते हैं, या आप सीधे हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। हम सारा काम डिजिटली करते हैं, पूरा काम डिजिटली होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा लोन हम प्रोसेस कर देंगे आपका ऐप के। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे द्वारा लोन लें। आज की डेट में हम HDFC और ICICI बैंक, और हमारे वैसे तो काफ़ी बैंकों के साथ टाइप है, लेकिन पर्सनल लोन हम ICICI बैंक से 11.25% से शुरू करवाते हैं और HDFC 10.75। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको दे रहा है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम आपको लोन प्रोवाइड करवाने में सक्षम है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक साल का ITR या फॉर्म 16, 3 महीने की सैलरी स्लिप, लोन अकाउंट स्टेटमेंट और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। लोन अकाउंट स्टेटमेंट उस केस में चाहिए जहां पर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो आपका जो भी लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो, ये सब आप हमको डिजिटली प्रोवाइड करवा दें। मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे, हम पे कॉन्टेक्ट करें, पहले हम आपकी सिविल चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम आपके लोन की ये सारी प्रोफाइल वगैरह मंगाएंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लेते, ये सारा काम डिजिटली होता है बिना किसी कमीशन के। अब जब लोन आपका प्रोसेस हो जाता है, बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देती है, जो दूसरा लोन होता है दूसरे बैंक में, उसके लिए बैंक आपको एक बैंकर चेक या बैंक ड्राफ्ट इशू कर देती है, और कई केसेस में डायरेक्ट फंड भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस बैंक के अकाउंट में। तो उस तरीके से आप अपना वो जो एग्जिस्टिंग लोन था उसको बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड्स।